हेलो एवरीवन स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो में आज मैं लेके आ गई हूँ एक नई कंट्रोवर्सी वीडियो आज हम आप सब से बताने वाले हैं कि नेहा आशीष तिवारी की जो शादी है वो टूट चुकी है या फिर शादी होने वाली है तो वीडियो में पूरा बने रहेगा वीडियो लास्ट तक देखिएगा अभी तुरंत एक लाइव आई है जो नेहा आशीष दीवारी की तरफ़ से एक लाइव आई है जिस लाइव में वो बहुत ज़्यादा रो रही थी बहुत ज़्यादा रो रही थी सच में देख के तो बहुत तकलीफ़ हुआ क्योंकि हम भी एक औरत है और एक औरत का दुख एक औरत कभी भी नहीं देख सकती जिस तरीके से वो रो रही थी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था कहीं ना कहीं ये जो दर्द है ये चीज़ें हैं वो हुई ही क्यों इन सब चीज़ों में सिर्फ एक लोगों की गलती तो है नहीं गलती दोनों लोगों की है सचिन की भी उतनी ही गलती है जितनी नेहा आशीष तिवारी की गलती है ग़लती दोनों लोगों से हुई है और दोनों लोगों को मूव ऑन करना चाहिए दोनों लोगों को अगर गलती दोनों ने की है तो सजा भी तो दोनों को मिलनी चाहिए लेकिन सचिन राज अपनी फैमिली में अपनी बीबी के साथ बहुत खुश हैं वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं लेकिन नेहा आशीष तिवारी क्या जो रिश्ता था वो टूट चुका है दोस्तों नेहा आशीष तिवारी की जो शादी है वो टूट चुकी है नेहा आशीष तिवारी ने अपने लाइफ में बताया है कि उनकी जो शादी है वो उन्होंने खुद तोड़ दी है आखिर सिर्फ और सिर्फ नेहा आशीष तिवारी को ही क्यों ये दर्द झेलना पड़ा क्योंकि वो एक औरत है एक औरत की इज्जत को सोशल मीडिया पर ताड़ताड़ कर दिया गया एक बार भी उस बच्ची के बारे में नहीं सोचा गया जो छोटी सी मासूम सी बच्ची है जिसको बाप के प्यार की बहुत ज़रूरत है बाप के जिसको कभी बाप का प्यार मिला ही नहीं अब उस बच्ची को बाप का भी प्यार नहीं मिलेगा नेहा नेहाश कहीं ना कहीं ये शादी कर रही थी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्ची के लिए कर रही थी एक माँ जो होती है ना वो अपने बच्चों के सिवाय और कुछ नहीं चाहती है लेकिन उनकी शादी जो है वो टूट चुकी है दोस्तों नेहा तिवारी की शादी टूट